ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2023 प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य और रिवाइज डेट है 3 अप्रैल 1994। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ करने के लिए कहा। बाबा कहे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, लेकिन सदा संतुष्ट रहना है, क्योंकि एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। और सदा संतुष्ट रहने का आधार बताया, एक बाबा से सर्व संबंध, एक बाबा से संपत्ति अर्थात संपूर्ण वर्षा, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का। तो जहाँ यह तीनों है, संतुष्टता है, बाबा से सर्व संबंध है, बाबा से सर्व प्राप्तियां कर रहे हैं, तो सेहत भी अच्छी रहेंगी, सदा तंदुरुस्त रहेंगे। सुनते हैं बाबा के इन महावाक्यों को विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत, तंदुरुस्ती। बाप दादा कहे, आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। बाबा शुरुआत में ही हम बच्चों को बहुत ऊंचा सम्मान दिलाकर उसी स्थिति में स्थित करा रहे हैं, तो हम बच्चे भी उसी स्थिति में स्थित होकर के बाबा की महावाक्य सुनेंगे कि मैं मस्तक में विराजित रूहानी मणि हूँ और दिलाराम बाप के महावाक्य सुन रही हूँ। संतोषी आत्मा स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय, और बाप को तो है ही प्रिय, तो ऐसे है ना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही, नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है। और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो। बाबा कहे, ये संगम युग की जो विशेष देन है संतुष्टता, वह और विशेषताओं को समीप तब लाएंगी जब सदा संतुष्ट रहेंगे। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट शो अर्थात कठपुतली का शो। होता सब कुछ है, लेकिन होता पपेट है अर्थात होती कठपुतलियां हैं। बाबा कहे, तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है, वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो, अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है, कार्टून। कहानी पूरी होती है, लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, यही समझो एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है, तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। बाबा कितना अच्छा विजुअलाइज करा रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो ऐसा विजुअलाइज करो कि सामने जैसे कार्टून शो चल रहा है वह पपेट शो चल रहा है। शो देखना तो अच्छा ही है ना, तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, अपनी शान में रहते हुए देखो। संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, ये है संगम का श्रेष्ठ शान। बाबा कहते, संगम युगी आत्मा का श्रेष्ठ शान है, मैं संतोषी आत्मा हूँ, संतुष्ट मणि हूँ। बाबा कहे, तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए।
अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसी को बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है, पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं? आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाओ, भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, तो ये समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं, बड़े तो बड़े हैं, लेकिन छोटे समान बाप हैं। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नशा नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो, जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। बाबा और नशा दिला रहे हैं कि आप कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उनको अपना बना लिया है। परमात्मा अधिकारी इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या? जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया और संपत्ति में भी, अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, संपत्तिवान हो ना। बाबा ने पहले सभी संपत्ति स्मृति में दिलाई, फिर बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे संपत्तिवान हो ना, सर्व गुणों सर्व शक्तियों से सर्व ज्ञान की संपत्ति से संपन्न हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्व श्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना, कि कोई कम है, फुल है? पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है, आगे वालों का ध्यान बाप के तरफ ज्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहो आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहते हैं, तो बाप क्या कहते हैं? जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक है ना। बाबा और नशा दिला रहे हैं कि बच्चे हजूर है, मालिक है। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है, तो सभी कौन है? संतुष्ट मणियां। बाबा का प्रश्न है कि सभी कौन है? संतुष्ट मणियां। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट, संबंध संपत्ति, और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। अंडरलाइन करने वाली बाबा की यह बात है कि इस जन्म के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती दिलाती है। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। यह भी कार्टून शो है, तो सर्व प्राप्तियां है ना। संबंध भी है, संपत्ति भाव भी है, सर्व संबंध भाव भी है
और सदा संतुष्ट भव भी हैं। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उसे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देखकर खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ मिलाएगा, वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने वरदान को फलीभूत करने की विधि बताई कि पहले तो संकल्प रूपी बीज बोना है, फिर उसे रोज बार बार स्मृति का पानी देना है, फिर रोज उसी स्वरूप में स्थित होने की धूप देना है, तभी वरदान फलीभूत होगा। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला ना? अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन से दिल से मना रहे हैं, चाहे सन्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र पहले सब वतन में पहुंचते हैं, तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। ऐसे संगम पर संतुष्ट मणि बनाने वाले बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की ओर से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अभी दादियों से बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कहे सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं, अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना, मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही है। अभी अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है, उसमें पहला ग्रुप है, उसका सार है स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। बाबा कहे सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो, विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, सर्व शक्तियां हैं व कोई शक्ति है कोई नहीं, कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे, क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होंगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको मायाजीत बनने नहीं देंगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेंगी, और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देंगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ अच्छी हूँ। बाबा कहे एक कमजोरी भी धोखा दे देंगी, इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो, विशेष योग का प्रयोग करो।
किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे हो जाएगा, नहीं, आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं, तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप के प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म, गे गे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखने चाहते हैं। बाप का प्यार है इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे, कंप्लीट, कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही है। दूसरा ग्रुप है, उसका सार है वेस्ट को बेस्ट बनाना, अर्थात होली हंस बनना। बाबा कहे सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं रतन की वैल्यू होती है, तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, बाबा पूछ रहे हैं, तो व्यर्थ आता है। होली हंस फौरन परख लेते हैं, अर्थात तुरंत परख लेते हैं कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है, तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अभी संकल्प बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। जो समझते हैं अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? बाबा सम्मान दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि आप हो कौन। तो किसी ने कहा राजयोगी, तो बाबा कहे राजयोगी का अर्थ क्या है, राजा हो ना, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। बाबा कहते कर्म करते हुए भी बीच बीच में यह स्मृति इमर्ज करो कि मैं राजयोगी हूँ, अर्थात राजा हूँ, अर्थात किसी भी चीज के परवश नहीं। ऐसे नहीं समझो कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता, सिर्फ कर्म ही रह जाता। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो, योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे, फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है, बेस्ट ग्रुप है। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। बाबा कहते क्यों प्यारा है बेस्ट ग्रुप, क्योंकि 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना, अभी यह छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट है। अच्छा, आज का वरदान है अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। स्पष्टीकरण है, जब यह अनुभव होता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो,
यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल उड़ता पंछी बनाई उड़ती कला में ले जाएंगी। आज का स्लोगन है, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। फिर से, योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।